हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी न्यू एकेडमी बन रही है और इतने दिनों से मैं सबसे ज्यादा उसी में बिजी हूँ। और आप सबका सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था कि लॉन्ग ब्लॉग बनाओ, तो आज मैं आपके लिए लॉन्ग ब्लॉग लेकर आया हूँ। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी एकेडमी का सारा सामान जो कि मैं मेरठ से लेकर आया हूँ। आप जो ये फीडबैक देख रहे हो इसी में वो सारा सामान है। तो चलो इस फीडबैक को करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या मैं मेरठ से लेकर आया हूँ। तो गाइस, जैसे ही इस बैग को मैं ओपन करूंगा, इसमें सबसे पहले है ये कोन जो कि फिटनेस के लिए यूज होता है। एकेडमी में ये वाला इक्विपमेंट्स तो होनी ही चाहिए। उसके बाद है ये 80 ग्राम का प्लास्टिक बॉल जिससे हम फुल शॉट की ड्रिल करेंगे, कॉर्ट शॉट की ड्रिल करेंगे, बैकफुट पंच शॉट की ड्रिल करेंगे और ढेर सारे शॉट की ड्रिल कर सकते हैं इसे। ये भी है 80 ग्राम का बॉल जो कि मैं मेरठ से लेकर आया हूँ। उसके बाद है ये 50 ग्राम का प्लास्टिक बॉल, ये भी हार्ड प्लास्टिक बॉल है, इससे भी हम फ्रंट फुट डिफेंस आसानी से कर सकते हैं और ढेर सारे ड्रिल भी कर सकते हैं। उसके बाद है इस बैग में टी कोन जिसपे जूनियर्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है। इसपे बॉल रख के हम आसानी से डिफेंस की भी ड्रिल कर सकते हैं, ड्राइव की भी ड्रिल कर सकते हैं। ये एकेडमी में जरूरी है और बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये तो होने ही चाहिए। उसके बाद है ये किट बैग में ये थ्रोअर रूबो हम इसको बोलते हैं, इससे अच्छी खासी 115 या 125 के स्पीड तक में बॉल हम फेंक सकते हैं जो कि एकेडमी में होनी ही चाहिए। उसके बाद है ये ढेर सारे कोन, ये भी फिटनेस में या फिर ड्रिल्स करने के यूज में आते हैं। उसके बाद है मेरे पास ये बिक्की का टेनिस बॉल, इसे मैं आपको दिखाता हूँ। टेनिस बॉल जो लिया हूँ मैं, ये भी ड्रिल्स के लिए ही मैं लिया हूँ। ये देखो, ये इतने सारे टेनिस बॉल हैं जो कि मैं ड्रिल्स में अपने प्लेयर्स को यूज कराऊंगा और ड्रिल्स कराऊंगा। उसके बाद है ये ढेर सारे और टी कोन, मैं लगभग टोटल 50 के करीब टी कोन लिया हूँ जो कि आसानी से सब एक बार में ही ड्रिल्स कर पाए। उसके बाद है ये हैंगिंग बॉल, ये मैं हैंगिंग बॉल लेकर आया हूँ वहाँ से, क्योंकि हैंगिंग बॉल जूनियर्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है और हैंगिंग बॉल आपके एकेडमी में होने ही चाहिए। उसके बाद है ये सॉसर कोन जो कि ये भी मैं फिटनेस में यूज करूंगा, ड्रिल्स में यूज करूंगा, जो कि बॉलर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ये ढेर सारे और टेनिस बॉल्स, उसके बाद मैं लाया हूँ ये सिंथेटिक बॉल, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको मैं खोलकर दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, ये है सिंथेटिक बॉल। ये थोड़ा सा हार्ड होता है पर बहुत ही ज़रूरी होता है, खेलना चाहिए आपको इससे, एकेडमी में ये होना ही चाहिए फ्रंट फुट पे डिफेंस के लिए या बहुत सारे जो भी शॉट्स आप खेल सकते हैं इससे आसानी से खेल सकते हैं। उसके बाद मेरे स्किट बैग में है और सारे सॉक्सर कोन, और मैं ये लाया हूँ लैडर क्योंकि ये बॉलर्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है और एकेडमी में ये होने ही चाहिए। उसके बाद ये फील्डिंग के लिए जो मैं यूज करूँगा जब मैं प्लेयर्स को कैचिंग कराऊंगा या फील्डिंग कराऊंगा, तो एक हाथ में मैं इसे पहनूंगा इस प्रकार से और इस हाथ से मैं शॉट खेलूंगा। तो ये तो आपके एकेडमी में होने ही चाहिए। उसके बाद और ये हैंगिंग बॉल, और उसके बाद और ये सिंथेटिक बॉल, मैं बहुत सारे सिंथेटिक बॉल लाया हूँ। और उसके बाद है ये और सारे टेनिस बॉल। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, ये शायद आप पहली बार देखोगे, ये मेरे एकेडमी में मैं अपने लिए लेकर आया हूँ, बताता हूँ, गेस करो गाइज क्या है ये। ये देखो, बताओ गाइज ये क्या है। एक्चुअली में ये रबर स्टंप है जो कीपर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मैं उसको ये ड्रिल कराऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट आपको निकाल कर दिखाता हूँ। आप इसको इंडियन टीम में देखोगे यूज होते हुए, ये रिफ्लेक्सेस के लिए है, विकेट कीपिंग के लिए है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये मैं लाया हूँ, गेस करो ये क्या है। ये थेरा बैंड है जो बॉलर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस किट में ये देखो, ये रेजिस्टेंस बैंड है, ये भी मैंने बॉलर्स के लिए लाया है। और आगे वाले सेक्शन में है ये कैचिंग बैट, ये सबसे ज़रूरी है जो कि एकेडमी में होने ही चाहिए। कैचिंग बैट से मैं प्लेयर्स को कैचिंग कराऊंगा, हाई कैच, शॉर्ट कैच, ये SS का है। और अगर आपके पास एकेडमी है और आप एकेडमी खोल रहे हो तो ये कैचिंग बैट तो आपके पास होने ही चाहिए। तो गाइस, इस बैग में से सारा सामान मैं अभी यहाँ रख दिया हूँ और अभी भी एक बैग है जो कि वहाँ पड़ा है और उसका भी मैं अनबॉक्सिंग अभी करके आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ है। तो गाइस, ये भी मैं बैग लेकर आ गया हूँ और इसमें से सारा सामान आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले इस बैग में है ये हडल्स, गेस करो गाइस इस किस चीज़ के लिए है। ये भी बॉलर्स के लिए है जो कि फिटनेस में यूज होगा। और उसके बाद है और भी ढेर सारे हडल्स, लगभग मैं 12 या 14 पीस हडल्स लाया हूँ जो कि बॉलर्स के यूज में आएगा। उसके बाद है ये प्लास्टिक स्टम्प्स, ये देखो गाइस, ये प्लास्टिक स्टम्प्स है जो कि मैं नेट्स में यूज करूँगा। ये एक पेयर है और एक और प्लास्टिक स्टम्प्स है
अभी एक और नेट्स में यूज करूंगा। एक्चुअली में मेरे अकेडमी में 3 नेट्स है, 2 सीमेंटेड विकेट, 1 टर्फ विकेट। तो फिलहाल 2 सीमेंटेड विकेट में मैं ये प्लास्टिक स्टंप्स यूज करूंगा, और उसके बाद जो मेरा टर्फ विकेट है उसमें मैं यूज करूंगा ये वुड की विकेट, लकड़ी की विकेट। और ये लगभग मैं 12 पीस लाया हूँ, देख सकते हो गाइस, इसमें बहुत सारे मैं लेकर आया हूँ, 12 पीस इसमें रखा है। सब तो मैं नहीं निकाल सकता, फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ ये 12 पीस है। और उसके बाद सबसे मेन चीज जो मैं लेकर आया हूँ फील्डर्स के लिए, ये है कैचिंग बोर्ड, जो कि एकेडमी में एकदम मस्ट होना चाहिए। ये कैचिंग बोर्ड आपके एकेडमी में होना ही चाहिए, इससे कैचिंग आप आसानी से अपना कर सकते हो, अच्छे कैचिंग कर सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी कुछ होगा इसमें वो लिख लेता हूँ। हाँ, ये विकेट कीपर के लिए मैं लेकर आया हूँ, ये स्ट्रेचेबल स्टम्प है, ये देख सकते हो इसमें रॉड लगा है, ये स्ट्रेचेबल स्टम्प्स है, इसको लगाकर मैं विकेट कीपर को आसानी से ड्रिल करवा सकता हूँ। तो गाइज, इतने सारे सामान जो कि मैं अपने एकेडमी के लिए मेरठ से लेकर आया हूँ, काफ़ी गर्मी हो रखी है और मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, और फैन भी नहीं चला सकता क्योंकि आवाज़ नहीं आएगा। फिलहाल आप बताओ कि आपको कैसा लगा ये मेरे एकेडमी का सारा सामान। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में।